अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है चिकन दम बिरयानी। तो इसे बनाने के लिए 1 किलो हमने चिकन लिया, चिकन को अच्छी तरह साफ करके धो लिया है, और 1 किलो चावल इसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। चावल हमने बासमती लिए है। सबसे पहले हम चिकन को मेरीनेट करके रखेंगे। चिकन मेरीनेट करने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप दही लिया है, ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्च इसे हमने मोटा मोटा पीस लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 से 2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से हम ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें डाल रहे हैं 2 टीस्पून नमक। आधा कप डालेंगे इसमें फ्राई प्याज। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, आप मसाले के साथ ही डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसे हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह मेरीनेट हो जाए। चिकन अच्छी तरह मेरीनेट हो गया है, अब बनाएंगे हम इसकी बिरयानी। एक बड़े से रन में 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले ये आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो 2 बड़े साइज के आलूओं को छील कर इसे बड़े बड़े पीसों में काट लिया है, ये आलूओं को फ्राई कर लेंगे। आलू जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ये ऊपर से थोड़े से कुरकुरे दिखने लगे हैं, ये देखिए अभी ये थोड़े से कुरकुरे दिखने लगे हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमने यहाँ पर आलूओं को थोड़ा कलर देने के लिए डालेंगे। तो ये आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह के आलू हम फ्राई कर लेंगे। अब इसी तेल में ये मेरीनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। 2-3 टेबल स्पून ये बाउल में हमने पानी डाला है, इसे डाल देंगे। गैस को यहाँ फुल पर रखेंगे और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। एक बड़े से गन्ने में 8 से 10 गिलास पानी को हमने गर्म होने रख दिया। इसमें हम चावल पकाएंगे और इसमें हम साउथ मसाले भी डालेंगे। तो काली मिर्च, जावित्री, बादियानपुर, तेज पत्ता, शाहजीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, ये सारी चीजें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, 2 बड़े चम्मच के करीब डालेंगे हम इसमें नमक, क्योंकि पानी ज्यादा रहता है तो नमक ही हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। चावल खिला हुआ रहे और चिपके ना, तो इसके लिए हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। गैस को यहाँ फुल पर करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में जब उबाल आने लगे तो इसमें हम चावल डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चावल को 70 से 80% पका लेते हैं। चावल यहाँ 70 से 80% पक गया है, अब इसका पानी हम हटा देंगे। मसाला जब अच्छी तरह भून जाए और चिकन थोड़ा सा गल जाए, इसमें हम डालेंगे ये फ्राई किए हुए आलू। आलू को डालकर हम 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा पकाएंगे तो आलू इसमें मैश हो जाएंगे। तो यहाँ हम आलूओं को थोड़ा सा कम ही पकाएंगे। तो ये आलू डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे 5 से 6 मोटी वाली हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ पुदीना, थोड़ा सा डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में आधी ग्रेवी हम निकाल लेंगे। तो ये आधा चिकन हमने निकाल दिया है, बस हमने इसी में रहने दिया है। तो सबसे पहले हम चावल की तह लगाएंगे। जब चावल की तह लग जाए तो इसके ऊपर लगाएंगे ये चिकन की तह। चिकन को अच्छी तरह फैला दिया है, अब हम चावल की दूसरी तह लगाएंगे। चिकन की तह लगाने के बाद में इसके ऊपर रखेंगे हम टमाटर, थोड़ा सा डालेंगे पुदीना और हरा धनिया, इसे हमने बारीक काट लिया है, और लगाएंगे ऊपर चावल की तह। तो ये चावल को अच्छी तरह हम फैला देंगे। तह लगाने के बाद में इसमें डालेंगे हम फूड कलर, तो 1/2 टीस्पून ऑरेंज कलर, और इसमें 1 टेबल स्पून पानी मिलाकर मिक्स कर लिया ये डाल देंगे। फ्राई प्याज, बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया। अब इसकी किनारों पर लगाएंगे हम ये आटा, ताकि अच्छी तरह इसमें दम लग जाए। चारों तरफ आटे की लेयर लगाने के बाद में अब इसे हम ढक देंगे और इसके ऊपर रख देंगे कोई भी वजनदार सी चीज। नीचे रख देंगे हम मोटे तले का तवा और इसके ऊपर रखेंगे ये बिरयानी वाला गंज। फुल फ्लेम पर 5 से 7 मिनट इसे दम लगने देंगे, क्योंकि तवा ठंडा है। जब ये तवा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम गैस को मंदा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर 12 से 15 मिनट इसमें दम लगने देंगे। बिरयानी में अच्छी तरह दम लग गई है, अब इसे हम एक बार करेंगे मिक्स और इसे कर लेंगे डिश आउट। बिरयानी में अच्छी तरह दम लग गई है, अब एक बार हम करेंगे इसे मिक्स और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो ये आटे को हम पहले हटा देते हैं और बिरयानी को कर लेते हैं हम मिक्स। तो लीजिए चिकन दम बिरयानी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।